वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, ये है वडोदरा जंक्शन और आज हम यात्रा करने वाले हैं 12009 मुंबई सेंट्रल से चलकर गांधीनगर कैपिटल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से। इसके अनुभूति क्लास में आज हम अनुभव करेंगे यात्रा का बड़ौदा से गांधीनगर कैपिटल। ये हमारी ट्रेन देखिए सामने से आ रही है। यह ट्रेन मुंबई से रविवार को छोड़ करके बाकी के दिन सप्ताह के 6 दिन सुबह 6:10 पर चलती है और ये गांधीनगर कैपिटल जो स्टेशन हमारा है वहाँ पहुँचती है दोपहर 13:25 पर। 521 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है इस दौरान और लगभग इसकी जो औसत गति है ये 79 किलोमीटर प्रति घंटा पड़ती है और इसमें अभी हाल ही में विस्टाडोम कोच भी लगाया गया है जिसकी की बुकिंग खुल गई है, जिसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर इसके लिए जो ट्रेन नंबर उसमें दिया है विस्टाडोम कोच के लिए जैसा जानकारी में आ रहा है इसमें वो 02009 और 02010 विल बी एप्लीकेबल लिखा हुआ है इसमें, अगर आपको विस्टाडोम कोच में यात्रा की बुकिंग करनी है तो। तो ये मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद होते हुए गांधीनगर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की अनुभूति क्लास है। 2x2 की इसमें सीट्स लगी हुई हैं, इसकी डिटेल को हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और ये हमारा हो गया डिपार्चर बड़ौदा से। बड़ौदा से इसके खुलने का समय 10:40 है और ट्रेन चल चुकी है। तो खान पान शुरू हो गया सेवा और सबसे पहले इसमें टोमेटो सूप आ रहा है हमारे सामने, आप देख सकते हैं जब आप बड़ौदा से चलेंगे तो टोमेटो सूप सर्व हो गया है, इसका आनंद लेंगे अब हम। बड़ौदा से अहमदाबाद के बीच अभी मुझे बुलेट ट्रेन का यहाँ पर कोई काम होता नज़र नहीं आया है। तो ये अनुभूति क्लास में जहाँ पर देखिए खान पान सेवा जहाँ से की जाती है, सामान आप तक पहुँचाया जाता है खाने पीने का, उसको रखने की यहाँ पर जो व्यवस्था है शेल्फ्स बने हुए हैं आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ और काफ़ी स्पेस है जिसमें सारा सामान यहाँ रखा जाता है और यहीं से फिर कोच में सर्व किया जाता है। और ये वेज थाली आ गई है यहाँ पर। तो आनंद आ गया और साथ ही साथ लंच सर्व हो गया है, आप देख सकते हैं भिंडी की सूखी सब्ज़ी है, जीरा राइस है और दाल है, मटर पनीर की सब्ज़ी है, साथ में रोटी है, अचार है। तो अब हम आ पहुँचे हैं नाडियाड। ये नाडियाड का प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी ट्रेन हमारी रुकी हुई है, यहाँ पर स्टॉपेज है इसका। तो डिपार्चर हो गया अब नाडियाड से, ट्रेन चल पड़ी है अहमदाबाद की तरफ। ये साइन बोर्ड आ गया नाडियाड।
भीड़ आप देखिए, इस समय 130 किलोमीटर पर आवर हमारी शताब्दी चल रही है यहाँ पर इस स्ट्रेच पे। आपको आइडिया हो जाएगा देखिए स्पीड का, और ये अंदर से व्यू है कोच के अंदर से किस प्रकार से, देखिए खिड़कियाँ अनुभूति क्लास में कितनी बड़ी बड़ी दी हुई है विंडोज़, जिससे बाहर का नज़ारा बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से। ट्रेन में एलईडी स्क्रीन वगैरह सब लगी हुई है देखिए। सामने भी एलईडी स्क्रीन्स लगी हैं लेकिन अभी वर्क नहीं कर रही हैं। अगर आप सीधे बैठे बैठे थक जाएं, आपको थकान लग रही है, तो यहाँ पर ये जो इसकी सीट्स है देखिए इस तरह से पीछे रिक्लाइन हो जाती है काफ़ी आराम से, इसमें आप बैठ सकते हैं। और बाहर जो खिड़की है काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं इधर साइड में, तो इससे आपको बाहर का जो नज़ारा है बहुत आराम से दिखता रहता है। खूबसूरत नज़ारे देखिए अनुभूति क्लास में, और लंच हो चुका है फिलहाल, आप देख सकते हैं स्पीड। ये डेडिकेटेड फिट कॉरिडोर के लिए बना रहे हैं ऊपर। अहमदाबाद जंक्शन तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहां पर जो अनुभूति कोच है हमारा
एसी, फर्स्ट एसी चेयर कार हमारा एग्जीक्यूटिव क्लास, ये ऑलमोस्ट खाली हो गया है। हम लोग शायद 3 या 4 लोग गांधीनगर तक जा रहे हैं इसमें, और अहमदाबाद पे जैसा बता रहे थे हमारे को पैसेंजर कि ये ट्रेन पूरी खाली हो जाती है। तो ये अहमदाबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और अंदर से अनुभूति कोच का मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ कि अहमदाबाद पहुँच कर इस ट्रेन का क्या हाल होता है। तो अंदर चलते हैं कोच में। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी अनुभूति क्लास इसमें कोच है, K1 इसका नंबर है कोच का, मुंबई सेंट्रल से अब गांधीनगर कैपिटल तक जाती है। अब देखिए इसमें अहमदाबाद पर पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई है। मेरा बैग रखा है विंडो सीट, और इसमें अनुभूति क्लास में जो डिस्प्ले है कोच का, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, डिजिटल डिस्प्ले है। 32 नंबर सीट, ग्लेयर ज़्यादा पड़ रही है तो उतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें इस तरह से डिस्प्ले डिजिटल दिया हुआ है। और इधर मेरा बैग रखा हुआ, ऊपर सामान रखने की स्पेस है। काफ़ी रिलैक्सिंग चेयर्स हैं, 2x2 चेयर्स होती हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव क्लास है, फर्स्ट एसी चेयर कार। और इसमें अब विस्टा डोम कोच भी लगने लगा है। अभी गांधीनगर कैपिटल हम उतरेंगे तो उसकी झलक हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से। तो लास्ट में 54 नंबर इधर है और इधर है 56, तो टोटल 56 बैठने की इसमें जगह है। हर सीट पर देखिए जो है LED स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं इसमें, पर ऑपरेशनल नहीं, चल नहीं रही हैं। और अंदर से अनुभूति क्लास, विंडोज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो बाहर का जो नज़ारा है और शीशे काफ़ी हद तक साफ़ हैं, तो बाहर आपको काफ़ी क्लियर व्यू मिल जाता है, क्लैरिटी है। अगर शीशे पे दाग धब्बे होते हैं तो फिर दिखता नहीं है। गांधी जी के देखिए, इसमें गांधी जी का पोस्टर भी लगा है, दिखाने जूम करके। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा लेगेसी लिव्स ऑन। तो काफ़ी स्पेशियस है अनुभूति क्लास। तो अहमदाबाद से अब डिपार्चर हो गया है और हम लोग अब चल रहे हैं गांधीनगर कैपिटल की तरफ। पीछे लगा है विस्टा डोम का कोच। अभी गांधीनगर जब रुकेगी ट्रेन तो हम आपको उसके भी दर्शन कराते हैं, व्यू दिखाते हैं उसका कैसा है।
ये विस्टाडोम कोच आप देख सकते हैं अभी लगाई गई है बाहर से इसका व्यू, और लास्ट तक चलते हैं आपको दिखाते हैं। एसी टूरिस्ट कार 44 सीट्स हैं इसमें बैठने के लिए, और ये पीछे से विस्टाडोम का व्यू। ये अभी 4-5 दिन हुए हैं शायद लगे, हाल ही में लगाई गई है, तो एक नया अनुभव एक नया एक्सपीरियंस आपको होगा अगर आप मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में आते हैं। सामने गांधीनगर कैपिटल लिखा हुआ है, देखिए साइन बोर्ड है, ये पूरा स्टेशन है। इधर अहमदाबाद की दिशा है जिधर से हम आए हैं, और ये विस्टाडोम कोच अब लोगों को इधर आकर के लगेगा। तो अगर आप मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर ट्रैवल करेंगे तो आपको पीछे ये जो विस्टाडोम कोच पर्यटकों के लिए लगाई गई है, इसमें आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। बाहर का जो व्यू है वो आपको देखने को मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत ये कोच लग रहा है मुझे। ऊपर देखिए होटल है, ये तमाम कमर्शियल इसमें एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो एक झलक विस्टाडोम कोच की आपको हमने दिखा दी, किस प्रकार से विस्टाडोम कोच ये है आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बाहर से, बड़े बड़े शीशे हैं। तो अब हम बाहर आ गए हैं गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर, ये इसकी मुख्य बिल्डिंग है, और यहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त होती है बड़ौदा से गांधीनगर तक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।